एमएलए गणेश नाइक ने देवेंद्र फडणवीस के फैसले पर उठाया सवाल, रेलवे स्टेशनों पर सिडको के हाउसिंग प्रोजेक्ट पर जताया विरोध, अधिकारियों की साजिश और मनमानी को लेकर खोला मोर्चा। माननीय पंतप्रधान ने सांगितलं नाही की बा दुसऱ्यांना घर देताना असलेल्या लोकांच्या मध्ये अडचण निर्माण करा। आता याचा परिणाम नैमिषला पाण्यावर होणार, वाहतुकीवर होणार। आताच्या सिडकोच्या एमडीशी बोललो, याविषयी आयुक्त अभिजित वांगर साहेबांना बोललो, तुम्ही आयएस आहात, तुम्हाला नगरी कशाचे नियम आहे, खरोखर हे घडते हे बरोबर आहे का बघा, तुम्ही सांगा तुम्ही। पूर्व मंत्री एवं बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने सिडको की पीएम आवास योजना के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। गणेश नाइक सिडको के उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं जिसे सानपाड़ा और जूई नगर रेलवे स्टेशन तथा वासी ट्रक टर्मिनल में बनाया जा रहा है। बीजेपी विधायक ने कहा कि पहले से विकसित और भीड़भाड़ वाले सानपाड़ा और जूई नगर रेलवे स्टेशनों पर मकान बनाने से वहां संसाधनों की कमी और भीड़ से नई मुसीबत पैदा होगी। गणेश नाइक ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने कभी नहीं कहा कि किसी की अड़चन बढ़ाकर मकान बनाओ, लेकिन निजी फायदों के लिए सिडको के चालाक अधिकारियों ने यह कारस्तानी की और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अंधेरे में रखकर व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर हाउसिंग योजना को मंजूर करवा लिया। सर्वांनाच घरे, अरे ती देण्याचं त्यांचं स्वप्न हे निश्चितपणे चांगलं आहे, परंतु माननीय पंतप्रधानांनी हे सांगितलेलं नाही की बा दुसऱ्यांना घर देताना असलेल्या लोकांच्या मध्ये अडचण निर्माण करा, अशा प्रकारचं माननीय मोदी साहेबांनी सांगितलेलं नाही। आणि माझा दावा आहे की माननीय देवेंद्र फडणवीस यांना सुद्धा या सर्व गोष्टीची इतकी कल्पना नाही। नगरविकास नियमाच्या अनुषंगानं कुठलेही नगर वसवताना जास्तीत जास्त रिक्षाचे स्टँड निर्माण व्हावेत, टॅक्सीचे, ट्रक टर्मिनल, बस स्टँड निर्माण व्हावेत, अधिक सवलती निर्माण व्हाव्यात, अशा प्रकारची गरज असताना ही सानपाड्याला एक शहराच्या त्या म्हणजे स्टेशनजवळ कंजेशन निर्माण करणं, जून नगरला कंजेशन निर्माण करणं, त्या एपीएमसीच्या ट्रक कुठेतरी एमआयडीसीमध्ये कुठेतरी न्यायला, म्हणजे त्या उभ्या राहतील तिकडे आणि तिथून 8 किलोमीटरवरून त्या एपीएमसीमध्ये येतील, कुठल्या शाण्या माणसाने असा निर्णय घेतला। बताना जरूरी है कि सिडको प्रधानमंत्री के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल के लिए मुंबई के कई रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों की जमीन पर आवास बनाने की तैयारी में है। पूर्व मंत्री गणेश नाइक की दलील है कि इससे विकसित इलाकों में पानी, बिजली और पार्किंग समेत दूसरी नागरी सेवाओं पर बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर घर बनाना ही है तो पनवेल, उरन या नैना क्षेत्र में बनाए जा सकते हैं जहां हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि गरीबों और बेघरों को घर मिले, लेकिन दूसरों के लिए मुसीबत पैदा कर ऐसा आवास बनाने का मैं विरोध करता हूं। आता याचा परिणाम नैमिषला पाण्यावर होणार, वाहतुकीवर होणार। माझं म्हणणं आहे पुरण पनवेल परिसरात जागा कमी पडल्या तर नैनामध्ये हजारो एकर जागा आहेत। उलट नैनामध्ये सुपर एक्सप्रेस हायवे किंवा जो जुना पनवेल रोड आहे त्या परिसरामध्ये अशा जर लोकांसाठी घरं बांधली तर इथे कंजेशनपेक्षा लोकांना तिथे जास्त लोकांना आवडेल। फक्त लक्षात आला का की ते सर्व गोरगरिबांना घर मिळण्याचं जे स्वप्न आहे ते लवकरात लवकर साकार व्हावं याकरता आम्हीसुद्धा प्रयत्नशील आहोत, परंतु असलेल्या लोकांच्या अडचणी अधिक निर्माण अडचणी करणं आणि लोकांना घर देण्याचा अट्टास करणं या गोष्टीचा आम्हाला विरोध आहे। बीजेपी विधायक ने सिडको के पूर्व एमडी भूषण गगरानी और लोकेश चंद्र का नाम लिए बिना कहा कि इन प्रशासकीय अधिकारियों ने व्यवहारिकता देखे बिना ही ट्रक टर्मिनल को एपीएमसी से 8 किलोमीटर दूर करवा दिया और भीड़ भाड़ वाली जगह पर हाउसिंग प्लान बना दिया। नागरिकों के लिए क्लेशदायक साबित होगा यह जानते हुए भी जिस तरह का प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार करवाया, यह अधिकारियों की चालबाजी और घटिया नीयत का सबूत देता है। गणेश नाइक ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को अपनी डिग्री फेंक देनी चाहिए। या नवीमबेच्या प्रामुख्याने जुई नगर, सानपाडा आणि ट्रक टर्मिनलच्या लोकांना ते अतिशय क्लेशदायक ठरणार आहेत आणि म्हणून मी माननीय सगळ्या सर्व माननीय महापौर जेडी सुतारचे पत्र तयार केलेले आहेत। लोकांची आलेली निवेदनं, सानपाडाच्या सोसायटीची निवेदनं आहेत, ती संबंधिताकडे पाठवण्याचं काम मी करणार आहे। माझं स्पष्ट मत आहे या ठिकाणी माननीय पंतप्रधानांची योजना सक्सेस व्हायला पाहिजे। देवेंद्र फडणवीसांनी निश्चितपणे त्या गतीनं कामं केली, परंतु अधिकारी वर्गाने त्यांना चुकीच्या गोष्टी सांगितल्यामुळे या गोष्टी घडलेल्या आहेत। या ठिकाणी यांचे हेतू
चांगले नाहीत त्या अधिकाऱ्यांचे, तत्कालीन अधिकाऱ्यांचे। आणि मी उघडपणे सांगतो, ज्या कुठल्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली हे घडलं ना, त्या अधिकाऱ्यांनी आपली डिग्री ही खरं म्हणजे परत करायला पाहिजे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीव्ही वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।